और ये बड़ी खबर, फैजाबाद सीट हार गई बीजेपी। और ये बहुत बड़ा संदेश है, जनता ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। वजह क्या रही इसका, मंथन जरूर जरूरी है। फैजाबाद सीट बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि यहाँ बड़े अंतर से हम जीतेंगे। देखिए, लल्लू सिंह यहाँ से बीजेपी के तीसरी बार कैंडिडेट, उन्होंने 2014 में जितने वोटों से चुनाव जीता था, 2019 में मार्जिन इससे कहीं ज्यादा बढ़ गया था। इस बार वो कह रहे थे कि मार्जिन और बढ़ेगा, जबकि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन मार्जिन तो छोड़िए, लल्लू सिंह की हार हुई है। हैट्रिक लगाने की उम्मीद थी उनकी, लेकिन उनकी हार हुई है। राम मंदिर का मुद्दा जब फैजाबाद में नहीं चला तो कहां और चलेगा। अपने वीरेंद्र जी, बहुत बड़ा सवाल है, जहां पर राम मंदिर, जिसके बारे में संपूर्ण विश्व में हमेशा एक रहा कि 500 साल से रामलला को न्याय नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ने 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया। और उसके बाद जब 1989 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो पहली बार, क्योंकि 84 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी बीजेपी को, सीधे वो 80 पार करता है। और उसके बाद भाजपा बढ़ती ही गई और पिछले चुनाव में 303 पर पहुंचे। देखिए, कहते हैं कि अगर 2 से 303 पर पहुंचे तो राम जी का साथ रहा बीजेपी के साथ। लेकिन इस बार राम मंदिर जब बन गया, जब यहां पर इतना भव्य आयोजन हुआ, 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, उसके बाद फैजाबाद का जो रिजल्ट आता है, ऐसा आता है, तो आलोक वर्मा जी के पास चलना चाहूंगी मैं। आलोक जी, फैजाबाद का ये रिजल्ट क्या संदेश दे रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय था, ना कि चुनावी विषय था। देखिए, ये बात अलग है, ये बात अलग है कि आप ऑन स्क्रीन ये कह रहे हैं, लेकिन राम जी का नाम किसने नहीं लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, किस किस ने नहीं कहा कि अगर कांग्रेस जीतती है तो यहाँ पर बाबरी का ताला लग जाएगा? और अब देख लीजिए यहाँ का रिजल्ट। देखिए, मैं कह रहा हूँ अपनी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई सपना देखा था, उनमें राम मंदिर का भी एक सपना था कि एक भव्य मंदिर अयोध्या में राम जी का बनना चाहिए। ये सपना भी देखा था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए। ये सपना भी देखा था कि काश्मीर की जो हालात हैं वो बदलने चाहिए। ठीक है, आपकी प्राथमिकताओं में बहुत सी बातें रही, लेकिन ये निश्चित रूप से एक मंथन का वक्त है और उम्मीद है कि आप लोगों के अंदर ये सब चल भी रहा होगा। और इस बीच के बी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फैजाबाद यानी कि अयोध्या से फोन लाइन पर, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। के बी शुक्ला, लल्लू सिंह यहाँ से चुनाव हार गए और ये परसेप्शन के लिहाज से भी बीजेपी के लिए एक बड़ा डेंट है, क्या हुआ वहां पर ऐसा? देखिए, इस बार राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला, यहाँ पर राम मंदिर नजर हवा थी उसका पूरी हवा निकल गई। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में एक हवा बनी थी, एक माहौल बना था, वो माहौल की हवा निकल गई। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, अवधेश प्रसाद, लगभग 50,000 वोट से लगभग वो जीत दर्ज कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो भाजपा का माहौल जो बना था 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, उसकी हवा निकल गई। जिस तरह से जीत दर्ज की है इंडिया गठबंधन ने, वो सब देखा जाए तो जो माना जा रहा है कि जो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह की जो लोकल नाराजगी है वो काफी देखी जा रही है। जो अयोध्या में जो तोड़ फोड़ हुई, जो लोग घर गिराए गए, जिनकी दुकानें गिराई गई, इससे यहाँ की जनता बहुत नाराज थी और इस नाराजगी ने अपना मत देकर, अपना वोट देकर जनता ने बदला लिया है। जी, केबी जी ये भी बताएं कि 5 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, तो कहां पर किस तरह के नतीजे, अभी तस्वीर क्लियर हो पाई है क्या? अयोध्या में क्या, फैजाबाद में क्या, कहां पर किस तरह का आया है? देखिए, जो 5 विधानसभा यहां पे हैं, अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली और दरियाबाद, अयोध्या में केवल 4600 वोट से भाजपा जीती है, बाकी सारे विधानसभाओं में भाजपा की हार हुई है। अयोध्या विधानसभा में जहां 50,000 लीडिंग होती थी, वहां केवल 4600 वोट से इनको जीत मिली है अयोध्या में। वीरेंद्र जी, क्या इसको ये माने कि पूरा फोकस फैजाबाद में, पूरा फोकस अयोध्या पे रहा और फैजाबाद के बाकी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों ने ये समझा इसे कि हमारी अनदेखी हुई है, अयोध्या पर नजर हमारी अनदेखी, क्या इस तरह से है? बिल्कुल कह सकते यार, क्योंकि जो जितना फोकस अयोध्या विधानसभा पे रहा या अयोध्या धाम पे रहा, इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र रहे उतना ख्याल नहीं रखा गया। लोग भी बहुत नाराजगी थी, जो फसल को लेकर कुत्ता जानवर को कुछ उपाय नहीं किए गए,
तो जनता बहुत नाराज थी इस चीज को लेकर, और इस और अपना जो उन्होंने जो नागरिकताई अपना ओर देकर नागरिकताई तो कुल मिला के अयोध्या धाम तक केवल भाजपा सीमित थी, और वहां भी अयोध्या धाम में भी भाजपा टक्कर नहीं दे पाई। केवल विपक्ष बार बार यही कह रहा था कि फैजाबाद सिर्फ अयोध्या नहीं है, फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर आपने अयोध्या कर दिया, जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, लेकिन लोकसभा सीट तो अभी फैजाबाद ही है, और उस फैजाबाद में बीजेपी कैंडिडेट की हार हुई है। और एक बहुत बड़ा संदेश यहां से, बस्ती से भी खबर, एसपी प्रत्याशी की जीत, बस्ती में राम प्रसाद चौधरी की बड़ी जीत हुई है। बस्ती से यह खबर आ रही है, 1 लाख से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत बस्ती में हुई है। तक देखें वो अब पूरी तरह से पलटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जीत के दम सभी ने भरे। मगर अगर हम उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, वहां अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें आलोचना भी की गई थी उनकी जब ये गठबंधन बन रहा था, एक सीट उन्होंने भदोही की टीएमसी को भी दी, उस पर भी टीएमसी का जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो इस बार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, ये फ्रूटफुल साबित हो रहा है। मतलब अखिलेश ने बनाई थी वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई, क्योंकि देखिए कांग्रेस को लोग बहुत कमजोर समझ रहे थे कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। खिले खिले है खेत हमारे भोपाल राय। सी डेटा राउंड बाय राउंड इन टर्म्स ऑफ वोट्स काउंटेड एंड द रिजल्ट्स ऑफ दैट राउंड। हाउएवर इट वाज क्लेरिफाइड दैट इट इज डन असेंबली सेगमेंट वाइज, एज यू नो दीज आर नॉट असेंबली इलेक्शंस, बट द स्टैटिस्टिक्स आर काउंटेड एंड अपडेटेड असेंबली सेगमेंट वाइज। So if a parliamentary constituency has average 7 assemblies, then it is done each round in each assembly segment wise. Now the problem was explained to us is that different assembly segments follow different speeds of counting and also of updation, which is why there is a lack of synchronism for the parliamentary constituency as a whole. In any case, the election commission has assured us that without all this technicality, they are again going to give very strict instructions that counting and updation round wise at the assembly segment level shall be the fastest and the most prompt as possible. We are happy if that happens, and I think the matter would be resolved. Only a few hours are left for the elections, and we don't want to create unnecessary question marks. So long as this direction to immediately A to count fast and B to prompt. जनता के, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी, ये इस बात का प्रकटीकरण है। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है, लेकिन लगातार तीसरी बार एनडीए 300 के पार जा रहा है। ये जनता की जो श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, जनता का विश्वास मोदी जी में है, और ये उसी विश्वास को जनता ने प्रकट किया है। ये सचमुच में उनके व्यक्तित्व का और उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बताया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, जहां भी ऐसा होता है तो वो स्लिप्स की काउंटिंग कर दी जाती है, और अगर नहीं भी हुआ हो तो जब अंतर आता है, अंत में जो अंतर आता है अगर वो कम हो तो उन स्लिप्स की काउंटिंग जो है वो पक्की कर दी जाती है, ताकि कहीं पर ये संदेह ना रहे कि पूरे वोट काउंट नहीं हो पाए। हमने उनसे आग्रह किया कि इसको चेक कर लें, रिपोर्ट मंगा लें, ताकि कोई संदेह ना बचे और वहाँ के लोग जिन्होंने हमको ये बात पहुँचाई थी वो संतुष्ट हो जाएं। इट्स अ स्मॉल थिंग बट अ इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑल्दो ओनली 2 बूथ्स आर इन्वॉल्व, 2 बूथ्स ऑफ 2 कंस्टिट्यूएंसीज इन सोनीपत पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, वन इज बरोदा एंड द अदर वन इज सफीदो। There was some issue there that because the EVMs had developed a fault, the counting could not be done, and for that the Election Commission was kind enough to explain that where this happens, we already have instructions, we will check once again that the VVPAT slips are counted so that the number is updated and you would know that the entire vote has been counted. So we have come back fairly satisfied, and we are happy that the Election Commission has cooperated with us in these matters. Thank you. Thank you. Thank you.
तो रामप्रसाद चौधरी की बड़ी जीत। इसी बीच कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद को आपने देखा, और ये देखिए कांग्रेस दफ्तर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान नजर आ रही है। राहुल गांधी और इलाहाबाद सीट से खबर, बीजेपी की हार, कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण जीत गए इलाहाबाद की सीट, बीजेपी की हार हुई। यहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, उज्जवल रमण की जीत इलाहाबाद सीट पर, बीजेपी की हार। और कई सीट पर INDIA गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में NDA को झटका दिया है, खासकर ये झटका बीजेपी को कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, तो मुद्दों की बात कह ले या समीकरण साधने की बात कर ले, यहां पर बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में एनडीए को बीजेपी को लगता हुआ दिख रहा है। कहा यह जा रहा था, बीजेपी की तरफ से दावे हो रहे थे कि 80 में 80, लेकिन 50 के आसपास पहुंचती सिर्फ दिख रही है बीजेपी। एक बड़ा नंबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी तरफ ले जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इस गठबंधन को बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। और हमारे दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रुख कर लेंगे मेहमानों का। आलोक वर्मा जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, बड़े बड़े चेहरे आपके धराशायी हो रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे पीछे हो रहे हैं, आप ये जरूर कहेंगे कि हम तो मंथन करेंगे, लेकिन यहां बताएं कि इसका संदेश क्या है, जो जनता का वोट है उसका संदेश आपको क्या समझ में आ रहा है? जनता का संदेश साफ है कि वो प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। 10 साल हमारे गुजर गए, माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, जो देश को तरक्की की राह पर ले गए हैं, उस पर पूरे देश को भरोसा है। 300 के पार हम लोग, 300 के पार मैं पहुंच रहा हूँ, वहां पर भी पहुंच रहा हूँ। 300 के पार अगर हम पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले नेहरू जी ही 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये पहली बार हो रहा है नेहरू जी के बाद। और वो समय था जो आजादी का समय था, आजादी के बाद का समय था, उसके बाद एक अच्छा खासा वक्त गुजर गया, कोई 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना, मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं पहली बार। ठीक है, तीसरी बार सरकार बनाकर नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो तीसरी बार जनता उनको फिर से ये मैंडेट दे रही है, ठीक है, खुश होने की वजह है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत प्रदेश, जहां से आप पूरे देश में एक पहले हो जाता है तो औरों के लिए रुकते नहीं है, उसको अपडेट वहीं कर देते, और जो देर में आता है उसको अपडेट फिर बाद में। जयराम रमेश जी ने भी ट्वीट करके शिकायत की कि कई जिलों के DM पर दबाव बनाया जा रहा है। जयराम जी की कोई शिकायत थी तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ आए थे, उस पर विस्तार से बात हुई थी, इससे पहले भी हुई थी जब सिंघवी साहब यहाँ हम लोगों के साथ, यहाँ हम लोग सब आए थे, लेकिन उस बात को समझ लिया गया है, उसको आगे हम और नहीं बढ़ाना चाहते। और बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण जीत गए हैं इलाहाबाद सीट पर, बीजेपी की हार हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ वीरेन चौधरी जी जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक। वीरेन चौधरी जी, उत्तर प्रदेश की एक एक सीटों पर जब रुझान अब नतीजों तक पहुंचते नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के प्रत्याशी कहां जीते और गठबंधन का प्रत्याशी कहां जीता? ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, गठबंधन आगे चल रहा है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल आंकड़ा बता रहा हूं अभी अभी का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 10% वोट मिलता दिखाई दे रहा है, आंकड़ा पहले का 6% है। समाजवादी पार्टी को पिछला आंकड़ा 18% के पास था, वो बढ़कर दुगुना हो गया है, यानी दुगुना से थोड़ा कम, 33.5%। यह बन जाता है कितना, 43%। बीजेपी को कितना मिल रहा है, 41.5, 1.5% यहां पर। अब दूसरा एक और देखिए आप, जो आपको आश्चर्य होगा, जो BSP को 19% मिला था, सपा से ज्यादा वोट मिला था 2019 में, और अब की बार कितना मिल रहा है, सिर्फ 9%। कहां गया 10% वोट, यानी अनऑफिशियली BSP वोट हैज ट्रांसफर्ड टू सपा एंड कांग्रेस, यही अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। अभी तक बसपा जो है खाता भी नहीं खोल पाई है रुझानों में, लेकिन उसका जो पूरा वोट शेयर है वो सपा और कांग्रेस में ट्रांसफर हुआ है। हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है फखरुल जी आपका। और अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि बीते एक घंटे से समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता अभी तक क्यों नहीं आया, आज तो लग रहा है आप ही लोगों का दिन है। रुझान नतीजे दोनों धीरे धीरे आपके सामने, आंकड़ों पर देखिए। हम तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का धन्यवाद देना चाहेंगे।
चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को बधाई देना चाहेंगे, किसान मजदूर को बधाई देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दे उठाए थे, बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर का मुद्दा, उस मुद्दे पे जनता ने हमारा समर्थन किया, हमारा साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में लंबा चुनाव चला, बहुत आरोप लगाए, बहुत बार ऐसी पिच तैयार करने की कोशिश की कि ये चुनाव हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर चला जाए, लेकिन हम समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के अपने साथियों को भी और देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहते हैं कि मुद्दों पर ये चुनाव हुआ, मुद्दों से चुनाव भटका नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के मुद्दे पर ये चुनाव रहा। और जहाँ तक मैं अभी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी को कि उत्तर प्रदेश में आपके केंद्रीय मंत्री लगातार चुनाव हार रहे हैं, लगातार आप स्क्रीन पर देखते जाइए, ठीक है, वो आगे भी जारी रहेगा। फखरुल जी, समाजवादी पार्टी की रणनीति, समाजवादी पार्टी की रणनीति को आप ज्यादा श्रेय देंगे या गठबंधन को? क्योंकि ये गठबंधन जो करिश्मा उत्तर प्रदेश में करता दिख रहा है INDIA, बाकी प्रदेशों में वो करिश्मा करता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ SP की चली, इस वजह से ये कामयाबी? देखिए, मैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को, अपनी पार्टी को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने अपने PDA फॉर्मूले पे इस चुनाव को लड़ा। और वो PDA फॉर्मूला जो हम लगातार इस बात को आपके साथ भी डिबेट करता रहा, तो मैं कहता रहा कि देखिए घोसी का चुनाव हम बड़े अंतर से जीते हैं जी। हमने जो PDA फॉर्मूला अपनाया है। और बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में CM आवास पर मीटिंग हो रही है, BJP नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है, CM आवास पर मीटिंग हो रही है। भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी CM इस वक्त CM योगी आदित्यनाथ के आवास पर मौजूद हैं और ये मीटिंग चल रही है BJP के बड़े नेताओं की। इधर दिल्ली में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राजनाथ सिंह मिलने पहुंचे थे JP नड्डा से, और अब देखिए लखनऊ में भी मीटिंग चल रही है। संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, कौन कौन पहुंच गया मीटिंग में और मीटिंग का एजेंडा क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर, 5KD स्थित आवास पर ये बैठक चल रही है। इस बैठक में जो नतीजे आ रहे हैं उस पर मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है इस बैठक में, और ये कोर ग्रुप की बैठक है। इसमें उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और इसके अलावा दोनों डिप्टी CM इस बैठक में बैठे मौजूद हैं। ये नहीं, चुनावी प्रबंधन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये बैठक लगातार जारी है जी। बिल्कुल, तो ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है, केंद्रीय स्तर पर भी बैठकों का और मंथन का दौर जारी है, और उत्तर प्रदेश में भी CM आवास पर ये बड़ी बैठक चल रही है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दोनों ही डिप्टी CM और वरिष्ठ नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। संकेत, अगर आप तक आवास पहुंच रही है तो अब लगभग 4:30 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, जो रुझान हमारी स्क्रीन पे है यूपी को लेकर। अब ऐसा मुश्किल ही लगता है कि उसमें कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा, लेकिन विपक्षी गठबंधन अब भी इस बात को कह रहा है कि हम तो 50 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए जो अभी तक के नतीजे हैं उसमें सीधे तौर पर नतीजे सभी के सामने हैं, और कुल सीटें ऐसी हैं जिनमें लड़ाई की जहां पर स्थिति है, वैसे में वो स्थिति भी कुछ देर में साफ हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश कार्यालय में सबसे पहले बैठक हुई, और यहाँ पर मंथन किया गया भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में, और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक जारी। और बड़ी खबर, 2 लाख से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव ने जीत हासिल कर ली है। BJP के जयवीर सिंह हार गए हैं चुनाव। मैनपुरी से बड़ी खबर, मौजूदा सांसद ही डिंपल यादव और फिर चुनाव मैदान में भी उतरी थी। 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत, एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। पिछला उपचुनाव उन्होंने जीता था मैनपुरी में और फिर यहां से चुनाव मैदान में थी, एक बार फिर जीत हासिल की है और 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई है। यानी कि समाजवादी पार्टी के पास इस बार खुश होने के बहुत सारे मौके हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। फखरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चले, उनके जश्न में शामिल हुए। उससे पहले वीरेंद्र चौधरी जी आपके पास आते हैं। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में इस तरह से करिश्मा कर रहा है, तो वो बात, वो करिश्मा बाकी जगहों पर क्या आपको देखने को मिली? बात अगर हम बिहार की कर लें, बात अगर हम किसी और प्रदेश की कर लें, बिहार में तेजस्वी ने जरूर डेंट किया लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, बिहार में वही मेरा भी सवाल था जब आपके एक प्रवक्ता थे, उनसे मैं कर रहा था आपसे माध्यम से, कि बिहार में उसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा। हाँ, ये सही है कि पिछली बार 40 में से 39 सीटें NDA को मिला था, और खास बात यह बताएं कि किशनगंज जो कांग्रेस को मिला था, अब की बार वो JDU को मिल रहा है, ठीक है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहां पे
कास्ट कॉम्बिनेशन नैरेटिव सारे के सारे जिस तरह का यहां पर हुआ है बिहार में नहीं हुआ है। जैसे मैंने अभी कहा कि वहां पर कांग्रेस एसपी बीएसपी ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड सारे वोट एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। नेचुरल है यदि बिहार में भी इस तरह का होता तो परिणाम उल्टा होता, लेकिन अब देखिए 244 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। यदि आप सिर्फ 30 सीट जो यूपी में लूज कर रही है वो आप जोड़ दीजिए तो निश्चित रूप से बीजेपी का भी बल्ले बल्ले होता दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी है, राजस्थान में भी बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र में जहां पर बीजेपी शिवसेना को 2019 में 41 सीटें मिली थी, अब की बार उनको सिर्फ 18-19 मिल रहा है, लेकिन स्टेट टू स्टेट मामला अलग दिखाई दे रहा है। बिल्कुल है। और फखरुल हसन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन जी। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक तरह से गेम चेंजर साबित हुए। ना सिर्फ आपने एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज की है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जिसको कहते थे कि उसका ग्राउंड पर कोई संगठन नहीं है, सफाई कार्यकर्ताओं ने, मतलब आप लोगों का जो टीम वर्क रहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आकर, पूर्व में भी आपने एक्सपेरिमेंट किया था ये, लेकिन वो सफल नहीं रहा, लेकिन इस बार आप नतीजों की ओर है। हम पूछते रहे आपसे कि क्या रणनीति है, बताइए एनडीए से कैसे टक्कर लेंगे, और आप कहते रहे कि अपनी रणनीति हम आपको क्यों बताएं, आज तो बता दीजिए क्या रणनीति। देखिए आस्था जी, रणनीति वही है पीडीए। हमने बार बार इस बात को कहा कि हम पीडीए रणनीति पे घोसी का विधानसभा चुनाव जीते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस बात को नकारती रही कि पिछड़े उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने 34 पिछड़े ओबीसी जातियों के वो प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जो गैर यादव ओबीसी थे। 10 दलितों को हमने टिकट दिया, तो जो समाजवादी पार्टी का टिकट बंटवारा था वो हमारे पीडीए फॉर्मूले पे थे। और फिर उत्तर प्रदेश की जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा था, लगातार नौजवानों के पेपर लीक हो रहे थे, नौजवान गाड़ियों में बस के ठीक है, इसी पर रिएक्शन आलोक वर्मा जी का भी ले लेते हैं। आलोक जी, पीडीए को आप बार बार परिवार डेवलपमेंट पार्टी अलायंस कहते रह गए, लेकिन लगता है कि पीडीए में यूपी की जनता ने, मतदाताओं ने भरोसा दिया, चाहे वो दलित मतदाता हो जो पहले बीएसपी के साथ था, इस बार आपको उम्मीद थी कि आप और ज्यादा से इनमारी करेंगे, लेकिन वो बीएसपी को न मिल करके वो गए सपा और कांग्रेस के पास, वैसे ही गैर यादव ओबीसी वो भी छिटक गए आपके पास से, ऐसा लग रहा है। राजनीति चली हो तो मैं पहले से आपसे कह रहा हूँ, जात जवाब की राजनीति चली है, जाति का शक्षोण उन्होंने बनाने की जो कोशिश की वो चला है, साथ ही जो दफलत में डालने की कोशिश की गई थी, राहुल गांधी जो एक छोटा सा छोटी सी संविधान की किताब लेकर के जाते थे और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो आपका संविधान बदल देगी, आपका आरक्षण खा जाएगी, आपका आरक्षण भी ले जाएगी, तो जो दफलत में डालने की उन्होंने कोशिश की थी वो उत्तर प्रदेश में चल गया। निश्चित रूप से हमने काम बहुत किया था, उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन है वो दिखाई पड़ रहा है, जिसकी गोचर हो रहा है, कोई भी अगर सड़कों पर जाएगा तो शानदार सड़कें उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है। 2017 के पहले जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में थे कि रात में भी लाइट नहीं आती थी, दिन में भी लाइट नहीं आती थी, वो हालात उत्तर प्रदेश के बदले हैं, नए उद्योग यहाँ पर लग रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, हालात बेहतर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 में भी तस्वीर बदली थी अगर वोट परसेंटेज के लिहाज से कहें, और उस वक्त समाजवादी पार्टी के समर्थन में बहुत सारे लोग गए थे, वोट उनको अच्छा खासा मिला था, वो अलग बात है कि विधानसभा में वो जीते नहीं, सरकार आपकी बनी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, आजमगढ़ में दिनेश निरहुआ की हार, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हो गई है, एसपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव यहां जीत गए हैं, दिनेश जो कि यहां से सांसद थे वो हार गए हैं, एसपी प्रत्याशी ने धर्मेंद्र यादव को एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जनता ने वोट दिया और वो जीत गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, शुरू से आगे चल रहे थे आज और अब नतीजों में कन्वर्ट हुआ, जीत गए हैं वो, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हुई है। निरहुआ जो कि कहते थे कोई आए कोई जाए, निरहुआ डटल रहल, लेकिन इस बार निरहुआ को पब्लिक ने कह दिया जरूरत नहीं डटे रहने की। वीरेंद्र जी देखिए, वहां पर निरहुआ जीते थे लेकिन हाँ। जीत का जो मार्जिन था ना बहुत कम था। देखिए 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना वो शुद्ध करके मुलायम सिंह जी के परिवार का कॉन्स्टिट्यूएंसी कहिए, जैसे गांधी परिवार का अमेठी है चाहे रायबरेली है, अब उससे सहमत है असहमत है वो मेरा व्यक्तिगत राय अलग है, लेकिन वो है
और उसी का परिणाम केंद्रीय मंत्री के हारने की खबर है वीरेंद्र जी, भानु प्रताप वर्मा जालौन से चुनाव हार गए। वही यूपी की बात मैं कह रहा था, यूपी में जो हो रहा है, जो वोट शिफ्ट हुआ है, जो वोट का फर्क है, उसका परिणाम है कि ये उनके साथ होना ही था। और इसको रोक, देखिए रिजर्वेशन की बात आप कह रहे हैं ना, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि 2015 बिहार विधानसभा का चुनाव था और उस चुनाव में संघ के आरएसएस के द्वारा कुछ आरक्षण पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया और उसका महेंद्रनाथ पांडे, एक और बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे उनकी भी हार हुई है। एक और केंद्रीय मंत्री की हार की खबर और ये भी यूपी से ही, चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे हार गए। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा भी हार चुके हैं, जालौन से भानु प्रताप वर्मा को हार मिली, तो वहीं चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे की हार। एक के बाद एक कई केंद्रीय मंत्री और वो भी उत्तर प्रदेश। देखिए बाकी जगहों की बात करें, बाकी राज्यों की बात करें तो कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे बीजेपी ने। उत्तर प्रदेश ही वैसी जगह थी जहां पर कम टिकट कटे थे और रिपीट हुए थे यहां पर चेहरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ रहा है वीरेंद्र जी। देखिए अब मैं चंदौली की बात करूंगा, मैंने साफ साफ उसमें देखा कि पिछले चुनाव में पांडे जी 5% कम मार्जिन से जीते थे, तो कायदे से मुझे लगता है उनको टिकट नहीं देना था, बदल देना था, लेकिन नहीं बदला गया। तो जब यूपी का दबाव था क्या, तो यूपी का दबाव समझना चाहिए। चलिए तो बिल्कुल आपका आकलन है कि बहुत कम मार्जिन पिछली बार जीत का था, तो इस बार ना रिपीट करते तो शायद बेहतर परिस्थिति होती। और यहां सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, यहां पे ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारी को लेकर प्रश्न उठे और ये कहा गया कि कुछ उम्मीदवारों का फीडबैक भी नेगेटिव था, लोगों की नाराजगी है, फीडबैक भी नेगेटिव रहा, उसके बावजूद भी उनको रिपीट किया गया। और कई उम्मीदवार तो ऐसे थे कि शायद मोदी के चेहरे के ही भरोसे वो बैठे रह गए, उनको कैंपेनिंग करते हुए, गली गली चौपालों में जाते हुए, डोर टू डोर कनेक्ट करते हुए भी उस प्रकार नहीं देखा गया। वो डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक तरह से पूरी तरह रिलाय कर गए और जनता से कनेक्ट उनका टूट गया। ये भी एक बड़ी वजह रही क्या प्रदीप जी, केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव हार जाना, इससे तो एक बहुत बड़ा संदेश निकलता है और ये बड़े आत्ममंथन की वजह भी है।